नमस्कार साथियों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ जैसा कि आपको अवगत है कोरोना संक्रमण की रफ्तार अचानक से बढ़ गई है इसलिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रेस्पॉन्स के संबंध में सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर स्कूलों के लिए द, नए दिशा निर्देश क्या हैं साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो चलिए जानते हैं क्या नए दिशा निर्देश आए हैं ये दिशा निर्देश प्रेषित किए हैं दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के सेवा में समस्त मंडलायुक्त अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त लखनऊ गौतम बुद्ध नगर कानपुर नगर वाराणसी समस्त पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज उत्तर प्रदेश और समस्त जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश ये 4 जनवरी 2022 को दिशा निर्देश जारी किए हैं विषय है कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पांस के संबंध में दिशा निर्देश महोदय कृपया आदेश संख्या दी गई है दिनांक 19 छह 2021 व आदेश संख्या दिनांक 24 12 2021 के क्रम में सम्यक विचारों के उपरांत वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्देश दिनांक 6 1 2022 से लागू करने के आदेश निर्गत किए गए हैं नंबर एक जनपदों में स्थायी स्थापित पीए सिस्टम के माध्यम से कोविड 19 से बचाव और सुरक्षा विषयक मानकों ओब्लिक सुझावों के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार प्रसार कराया जाए यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि सभी पीए सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें व प्रचार प्रसार के माध्यम से के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाए नंबर दो 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल कॉलेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाए नंबर तीन सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन करने हेतु राशन की दुकानें व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे नंबर चार स्थानीय मंडियों साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाए जिससे वहाँ फुटकर बिक्री आदि का कारण भीड़ भाड़ न हो सके और नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मंडियों या मार्केट को भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरित किया जाए अलग अलग दुकानों को अलग अलग समय पर खोला जाए जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्र न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग

व्यवस्था सुनिश्चित करें नंबर पाँच दुकानदारों रेस्टोरेंट होटल के रेस्टोरेंट व ईटिंग ज्वाइंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए तथा मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन करने हेतु व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित करके अनुसरण किया जाए उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रेस्पांस हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं नंबर एक किसी भी जनपद में 1000 से अधिक एक्टिव केस होने पर धार्मिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एम मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए नंबर दो पुरातत्व विभाग के स्मारक वन्य प्राणी उद्यान तथा क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए स्विमिंग पूल वाटर पार्क एम जिन जिम बंद रहेंगे रेस्टोरेंट होटल के रेस्टोरेंट फूड पॉइंट्स एम सिनेमा हॉल पचास प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए देखिए अब विद्यालय से संबंधित बातें हैं कक्षा दस तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक छः एक दो हजार बाईस से चौदह एक दो हजार बाईस तक बंद रहेंगे अर्थात जितने भी कक्षा दस तक के शैक्षणिक संस्थान हैं चाहे वे प्राइवेट हैं चाहे वे सरकारी हैं वे चौदह तारीख तक बंद रहेंगे पंद्रह वर्ष से अठारह वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश दिया जाए रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि दस बजे से प्रातः छह बजे तक लागू रहेगा आईटी एवं आईटीएस से संबंधित निजी कंपनियों वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगे शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों प्रतिबंधों के अनुसार होगी नंबर एक बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम सौ से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सैनिटाइजर का प्रयोग एवं कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी नंबर दो खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड नाइन्टीन प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी कृपया उपयोग दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तो ये आदेश दिए हैं दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है और साथियों हमें सबको इसका पालन करना है तभी हम कोविड को हरा सकते हैं तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद